फाइव मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक व्यापारी था, उसके यहाँ पर कोई भी नौकर टिकता नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आता था, उसे इतना गुस्सा आता था कि वो नौकरों के ऊपर हाथ उठा देता था और नौकर भाग जाते थे। एक दिन उसके मोहल्ले में एक संत आया। वो संत के पास गया, बोला, गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में मैं नौकरों पर हाथ उठा देता हूँ, मेरा व्यापार खराब हो रहा है, मेरे नौकर भाग कर चल जाते हैं। संत मुस्कुराया, दो मिनट सोचा, फिर अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे बोला, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ये दवाई की 3 बूंद अपने मुँह में डाल लेना और उसके बाद 10 मिनट तक बिल्कुल चुप रहना, तुम्हारा गुस्सा यूँ ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। वो गया और उसे जब भी गुस्सा आता अपने नौकरों पर वो दवाई की 3 बूंद मुँह में डालता और 10 मिनट तक चुप हो जाता, आंखें बंद करके सोच विचार करता। 10 मिनट बाद उसका गुस्सा छूट हो जाता। कोई भी नौकर उसके घर का काम छोड़कर नहीं गया। समय बीत गया। 1 साल बाद संत जी वापस उसके यहाँ आए तो भागा हुआ गया, बोला, संत जी मेरी तो दवाई ख़त्म हो गई है, मुझे दवाई दे दीजिए। संत बोले, क्यों? बोले, ये दवाई बड़ी चमत्कारी है, मेरा तो गुस्सा ही ख़त्म हो गया। बीबी पे गुस्सा करता था वो भी नहीं आता, अब नौकरों पर करता था वो भी नहीं आता, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये दवाई चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, बेवकूफ़, उसमें कोई दवाई नहीं, पानी था। तेरा गुस्सा जब गुस्सा आने पर तू 10 मिनट उस दवाई को लेने के बाद चुप रहा और मुँह पर मौन रखा, उसकी वजह से ख़त्म हुआ और तेरी ज़िंदगी बदली है। तो दोबारा जब आपको कभी भी गुस्सा आए तो 10 मिनट के लिए चुप रहिए तो आपका बीपी शुगर सही रहेगा। हालांकि ये कहना बड़ा आसान है लेकिन धीरे धीरे करने पर ही एप्लीकेबल होता है। आपको आज की तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा दिन शिव योग है, शिव योग में आज महादेव परगन्ने का रस और शहद अर्पण करें, धन प्राप्ति के लिए। अभी तक अपने अगर धनवर्षा पोटली ऑर्डर नहीं करी है तो तुरंत ऑर्डर करिए, कॉल करिए, ऑफिस देखिए और पेटीएम करिए, गूगल पे करिए, बैंक ट्रांसफ़र करिए। ये धनवर्षा पोटली सावन में आप जो बुक कर रहे हैं ये अगले महीने आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार करेगी, लाखों लोगों की ज़िंदगी को इसने बनाया। कमेंट्स में जाना।